स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे निंदिया हारे आजा। ममता की चादर की छैया तले राज दुलारे हैं इनको सुला जा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आ जा रे निंदिया आ रे आ जा। कितना प्यार है तुम्हारे अंदर अंकिता, सबको देने के लिए और स्पेशली आशी के लिए। सॉरी, तुम्हें इतने सालों तक तुम्हारी बेटी से दूर रखा और कहीं ना कहीं इसमें मैं ही जिम्मेदार हूँ। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया मैंने, लेकिन अब मैं सारी गलतियां सुधारूंगा। तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम डिजर्व करती हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, एंड आई प्रॉमिस दैट। तुम्हें तुम्हारी बेटी आशी से कोई अलग नहीं करेगा। आशी को उसकी माँ का प्यार मिलेगा और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगी, ये मेरा वादा है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। भले ही आपको उस वक्त कुछ याद ना हो, लेकिन एक बार सच्चाई जानने की कोशिश करते, एक बार मेरी आंखों में देखते तो शायद एहसास हो जाता कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। नरेंद्र सर, मैं जब मुंबई छोड़कर जा रही थी तो आप मुझसे मिलने आए थे। मुझे लगा आप मुझे लेने आए, कहीं ना कहीं मेरे अंदर उम्मीद थी कि आप मुझे वापस ले जाएंगे। लेकिन आपको याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था कि अगर पैसों की जरूरत हो तो बताना। तुमने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हम सफर के नाते ना सही, एक रिलेशन के साथ ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मैं सबसे पहले आगे खड़ा हूं। किस भरोसे से मैं आपको बताती नरेंद्र सर कि मेरी कोख में आपका बच्चा है? क्या बोलती मैं, मुझे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा, मैं अपने प्यार की निशानी के साथ चली गई ये सोचकर कि मैं अब कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मैंने तय कर लिया था नरेंद्र सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसी में खुश थी कि मेरे पास आपके प्यार की निशानी। आप नहीं जानते, लेकिन मैंने उन 9 महीनों में मेरे बच्चे से बहुत सारी बातें की, आपके बारे में, अपने बारे में, बहुत याद भी किया आपको। मेरा बच्चा मेरे जीने की एक वजह था, वो भी मुझसे छीन लिया। आपके पास तो आपका परिवार था ना, आपका अपना बच्चा आपके पास था, आप वहां थे जब आशी आपकी गोद में आई, पहली बार आपने उसे अपनी गोद में उठाया, आप वहां थे जब उसने पहली बार आपको डैडा बोला होगा, मम्मा बोला होगा, उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, उसे खाना खिलाया होगा, वो पहली बार स्कूल गई होगी। वहां थे नरेंद्र सब, मैं, मेरी तो किस्मत में भी वो नहीं था। मैंने इन 5 साल में बहुत कुछ खोया नरेंद्र सब, क्या आप मुझे वो खुशियां दे सकते हैं? क्या मुझे वो 5 साल लौटा सकते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि सब कुछ ठीक कर दूं। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता नरेंद्र सर, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इन 5 साल में मैंने बहुत भुगता है, मेरे बाबा पता नहीं कहां चले गए, क्योंकि जब इतने लोगों ने उनकी बच्ची पर उंगलियां उठाई वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और
तेजू अर्चना कहाँ है? आई मंदिर गई है, काफी अपसेट थी, सोचा होगा उसने उसका मन शांत हो जाएगा। अच्छा, मानसी की कोई खबर? फोन आया था उसका, बैंगलोर पहुंच गई है वो। चलो अच्छा है, शशांक भी शायद अपने नए जॉब में सेटल हो गया होगा। अच्छा वाना वो दोनों यहाँ नहीं है। अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाते। तेजू, बच्चों के बिना घर कितना सोना सोना सा लग रहा है। बाबा, मैं आशी और वैष्णो को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे चाय मिलेगी? आजोबा, मौशी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए ना। कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मैं सेल्फिश हो गई थी। लेकिन कौन अपने बारे में नहीं सोचता, और मैं भी तो इंसान हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आशी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं नरेन को खो दूंगी। और परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। सुबह, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आजोबा प्लीज, आप नरेन से बात कीजिए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेगा, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। आजोबा, उसे बोलिए ना, वो ऐसे डिवोर्स की बातें कैसे कर सकता है? मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा, पर तुम्हारी गलती है, जो कुछ भी किया है तुमने किया है, गलत किया है तुमने। पर मुझे एक बात बताओ, नरेन ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? He loved you unconditionally. बिना किसी स्वार्थ के उसने तुमसे प्यार किया, इतना प्यार करता। लेकिन तुमने क्या किया? अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो वो भी यही करता। अंकिता, तो अंकिता तुम आशी के साथ? आसोपा, आशी अब तो ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। ठीक तो होना ही था ना परी, वो तो सही टाइम पे अंकिता वहां पहुंच गई। वो लोग तो आशी को लेके पता नहीं कहां जा रहे थे। अगर अंकिता नहीं होती तो आशी पता नहीं कहां होती। तो ठीक तो होना ही था। परी, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। मैं सजा भुगतू? और अंकिता, मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। आजोबा, आप हमेशा भेदभाव करते हैं, हमेशा अंकिता की साइड लिए। वो आपकी लाडली है, अपने घर, प्रॉपर्टी, कंपनी सब उसके नाम कर दिया। क्या कर रहे हो आप? आशी, क्या करो आप, मेरे पर पानी बटा दो। मजा आया वैष्णवी, मेरे दादा भी ऐसे करते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? अभी हम चलते हैं आपके डैडा के पास। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। चलो वैष्णवी, बाहर चलो। नरेन सर कहाँ है तू? अगर तो जरा बाहर गया है। ठीक है, तो मैं बाहर देखती हूँ। अंकिता, कशियस, मुझसे बहुत नाराज हो ना। अतु, आपसे क्यों नाराज होंगी मैं? आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, अ गिफ्ट दैट यू डिजर्व। एक मिनट आशी, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहना है? आई पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।